हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। तो इस पूरे हफ्ते बॉलीवुड में किस तरह की हलचल रही, टीवी सीरियल्स में कौन रोया और किसकी खिलखिलाती हंसी सुनाई दी, पूरा एपिसोड आपके लिए। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 16 के सबसे क्यूट कंटेस्टेंट्स में से एक अब्दुल रोजिक ने कम समय में पूरे देश का दिल जीत लिया। विदेशी होने के बावजूद उन्होंने अपनी मासूमियत से भारत में भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है। वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कंटेस्टेंट है। हालांकि उन्हें अभी बिग बॉस 16 से बाहर जाना पड़ रहा है ना शॉकिंग, लेकिन ये सच है। जी हाँ, अब्दुल रोजिक बिग बॉस हाउस से बाहर हो गए हैं। सलमान खान ने वीकेंड के बारे में खुलासा किया कि अब्दुल रोजिक को शो से बाहर जाना पड़ेगा। कलर्स टीवी ने इसका प्रोमो इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। बीच सफर में अब्दुल रोजिक की बिग बॉस से विदाई ने हर किसी को हैरान कर दिया। अब्दुल रोजिक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सभी घर वालों को गले लगाया और रोते हुए बिग बॉस से बाहर आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि वो सभी लोगों को बहुत मिस करने वाले हैं। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे अब्दू। अब्दुल रोजिक के जाने से बिग बॉस के घर में उदासी छा गई है। छोटे भाईजान क्योंकि बिग बॉस हाउस में नजर नहीं आ रहे हैं। अब्दुल रोजिक का अचानक बिग बॉस से जाना लोगों के लिए सवाल खड़े कर रहा है। शनिवार का वार में ये पता चला कि अब्दू को क्यों बिग बॉस से विदा लेनी पड़ी। हालांकि मिस्टर खबरी के मुताबिक अब्दुल रोजिक को मेडिकल रीजंस की वजह से बिग बॉस से जाना पड़ा है, लेकिन वो सिर्फ दो दिन के लिए बिग बॉस से बाहर हैं। तो परेशान मत होइए, उनके फैंस के लिए खुशखबरी है। शॉक भी है लेकिन खुशखबरी भी है। इसके बाद वो फिर से वापसी करेंगे। फिलहाल अब्दुल रोजिक के चाहने वाले उन्हें दो दिन तक बिग बॉस हाउस में नहीं देख पाएंगे, बहुत मिस करने वाले हैं। खबर तो ये भी है कि इस हफ्ते साजिद खान का भी इविक्शन हो जाएगा। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि इविक्शन के 24 घंटे बाद फिर से साजिद खान घर में वापसी ले लेंगे। फिल्म पठान के पहले सॉन्ग बेशर्म रंग को लेकर माहौल काफी गर्माया हुआ है। सुपरस्टार या ये कहें कि किंग खान के संग इस गाने में दीपिका पादुकोण की ऑरेंज कलर की ड्रेस को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस गाने के कई राजनेता और फिल्म सितारे आलोचना कर चुके हैं। इस बीच अब तक हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो इस गाने में विवादित माने जा रही है। दीपिका पादुकोण की ड्रेस से आपका ध्यान हटा देगी और शाहरुख खान के लुक की ओर आकर्षित करेगी। बीते 12 दिसंबर को शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज किया गया। इस गाने में दीपिका पादुकोण ने अपनी बिकनी लुक से तहलका मचा दिया और किसी को अपना काल कर दिया। हालांकि गाने के एक सीन में दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकनी पहन ली। बस फिर क्या था, सभी झंडे लेकर निकल चुके हैं और बैन पठान, बॉयकॉट पठान के नारे लगा रहे हैं, जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो बेशर्म रंग गाने में इस सीन में शाहरुख खान ने भी ब्लैक कलर की फ्लोरल शर्ट पहन रखी है, जिसकी कीमत 8,194 रुपए है। इतना ही नहीं, गाने के इसी विवादित सीन में किंग खान जो स्नीकर शूज पहन रखे हैं, उनका प्राइस 1,00,000 से ज्यादा है। इसके अलावा बेशर्म रंग में शाहरुख के आईबॉन के टाइटैनिक फ्रेम मॉडल के सनग्लासेस पहने हुए हैं, जो कि $500 के हैं, यानी कि 41,000 के चश्मे। ऐसे में आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दीपिका के लुक पर तो ऐसे ही बवाल मचा हुआ है, जबकि असली चर्चा तो शाहरुख खान के सलाखों के लुक पर होनी चाहिए। पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जाहिर की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पठान के इस गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग का मजाक बना दिया। इसके साथ ही गाने को बेशर्म रंग नाम दे दिया, जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मेकर्स की ओर से इस गाने के सीन्स में बदलाव नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश में पठान के रिलीज को लेकर विचार किया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद से पठान के बेशर्म रंग गाने पर ग्रहण सा लग गया है। अब तो वक्त ही बताएगा जब पठान थिएटर में रिलीज होगी कि कितना प्यार मिलेगा और कितना बॉयकॉट का शिकार होना पड़ेगा। जेम्स कैमरून की साइंस फिक्शन ड्रामा अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है। फिल्म ने दुनिया भर में कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वहीं फिल्म ने भारत में भी अच्छी शुरुआत की है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने पहले दिन करीब 40 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है। वहीं अगर हम साउथ बेल्ट की बात करें तो फिल्म ने यहां भी अच्छी कमाई की है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अवतार 2 के 45 करोड़ के शुद्ध आंकड़े को पार करने की संभावना है, क्योंकि इसमें एवेंजर्स एंड गेम सहित हॉलीवुड फिल्मों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वास्तव में आज सीक्रेट में अवतार 2 ने एवेंजर्स एंड गेम की तुलना में दोगुनी कमाई की है और ये पहली बार होगा कि कोई गैर दक्षिणी फिल्म इस सर्किट में डबल नंबर में कमाई कर पाई है। रिपोर्ट्स की माने तो ये भी कहा गया है कि फिल्म ने सर्किट में 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। इसी तरह के अगर तमाम आंकड़ों पर नजर डालें तो
एवेंजर्स गेम को इसने मात दे दी है। उम्मीद तो ये भी की जा रही है कि फिल्म साउथ सर्किट में किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बना सकती है। हिंदी सर्किट में फिल्म का बिजनेस भी अच्छा रहा और आंकड़े मल्टीवर्स ऑफ मेडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज को पीछे छोड़ रहे हैं, जो साल की अब तक की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म है। रियलिटी शो बिग बॉस 13 से पॉपुलर हुई अपनी, जी हाँ, हमारी शहनाज गिल आए दिन चर्चा में रहती हैं। हाल ही में शहनाज गिल अपने मैनेजर कौशल जोशी की शादी में नजर आईं, जहां सभी लोग शादी के सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे, वहीं शहनाज गिल को भारती सिंह के बेटे गोला के साथ भागते हुए देखा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 16 दिसंबर 2022 को शहनाज गिल के मैनेजर कौशल जोशी सेलिब्रिटी मैनेजर हीना लॉर्ड के साथ शादी के बंधन में बंध गए। उनकी शादी में भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, अली गोनी, जसमीन भसीन, शहनाज गिल, रूपाली गांगुली, गौरव खन्ना समेत कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज पहुंचे। इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान शहनाज गिल ने खींचा। शहनाज गिल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसमें वो गोला को लेकर भागती हुई नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी में जैसे ही शहनाज गिल की एंट्री होती है, पहले वो सभी मेहमानों से मिलती है, लेकिन जैसे ही भारती सिंह के बेटे गोला को देखती है, वो सबको इग्नोर कर उन्हीं के पास चली जाती है। वो गोला को तुरंत अपनी गोद में ले लेती है और वहां से भाग जाती है। इस दौरान वो गोला को ढेर सारा प्यार कर रही है। उनका एक क्यूट वीडियो फैंस के दिलों को जीत रहा है। लुक की बात करें तो शहनाज गिल स्काई ब्लू कलर की फ्लोरल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने चौकर और इयररिंग से लुक को कंप्लीट किया था। स्किन हेयर बन और मिनिमल मेकअप में वो स्टनिंग लग रही थी। वहीं गोला रेड कलर के कुर्ता और व्हाइट पैजामा में अपनी क्यूटनेस से लोगों को घायल कर रहे थे। रणवीर कपूर ने ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी हिट देकर माहौल लूट लिया। उनकी फिल्म इस साल बॉलीवुड की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन शायद पिछले कुछ सालों से बड़ी स्क्रीन से गायब चल रहे रणवीर को देखने से जनता का मन नहीं भर रहा। विकी कौशल और कियारा आडवाणी की फिल्म गोविंदा नाम मेरा शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई। एक मजेदार कॉमेडी की तलाश में लोगों ने गोविंदा नाम मेरा देखनी शुरू की है। उन्हें एक जोरदार सरप्राइज भी मिला है। गोविंदा नाम मेरा में रणवीर कपूर नजर आए हैं। फिल्म में रणवीर कपूर एक खास कैमियो में नजर आए। अपने छोटे से कैमियो में रणवीर न सिर्फ विक्की और कियारा के साथ सीन में हैं, बल्कि डांस भी करते दिख रहे हैं। फिल्म में विक्की और कियारा कोरियोग्राफी में नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों रणवीर के आगे ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस गाने पर उन्होंने अभी डांस किया, उसकी कोरियोग्राफी उन दोनों ने ही की है। लेकिन तभी वहाँ मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य आ जाते हैं और दोनों की पोल खुल जाती है। रणवीर के कैमियो से जनता खुश है। जी हाँ, गोविंदा नाम मेरा में देखकर फैंस क्रेजी हो गए हैं और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं भी ट्वीट कर रहे हैं। रणवीर के इस कैमियो की फोटोज और वीडियोस शेयर करते हुए फैंस अपनी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। और रणवीर कपूर का कैमियो बहुत इनोवेटिव था, ऐसा कुछ लग रहे हैं। वहीं वो बड़े आराम से पूरी फिल्म खा गए, ये भी ऐसा लिख रहे हैं। वहीं एक यूजर्स लिख रहे हैं कि रणवीर को डांस करते देखने पर खुशी जताते हुए अपना असली वाला रणवीर कपूर वापस आ गया है। तो ऐसे ही चटपटी मसालेदार खबरों के लिए आप बॉलीवुड गपशप के साथ बने रहिए और मुझे कहिए अलविदा।